ये सरकार बस सपना दिखाती है, दो रोटी की सपना दिखाती है, जो एक हाथ में रोटी रहता है उसको भी ले लेती है सरकार, यही है। लेकिन अब हम लोग भी समझ चुके हैं अच्छे से कि ये सरकार को हम ही लोग ने फर्श पर बिठाया, अब हम ही युवा इनको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोग की हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक देश के लिए वो फौजी बनने के लिए कर रहे हैं, उनको उनका अपना अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये मीडिया बिक चुकी है, उसको युवा और किसान के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, वो कहती ही नहीं, रोजगार की बात ही नहीं करती। ना कि देखिए, वो जो काम कर रही है, हम युवाओं के साथ अगर धोखा करती है तो वो हमारे साथ धोखा नहीं कर रही, वो देश के भविष्य के साथ धोखा कर रही है, वो देश के कह रहे हैं देश के हित में काम नहीं कर रही है। अगर वो राष्ट्रीय भक्ति का दम भरते हैं, बट वो टीवी पे सिर्फ भरते हैं, जमीनी स्तर पे आना बहुत जरूरी है। लगातार देश आगे बढ़ने की बात करते हैं, ये जुमला है जो 65 लाख बंगाल का रोजगार था यूपी में होगा, ट्रांसफर होगा 65 लाख, क्योंकि बंगाल हार गए, अब यूपी में वो ट्रांसफर कर देंगे, लड़के वोट देंगे, युवा वोट देंगे, इनके मतलब झूठी झूठी बात है। बिहार नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, मिस्टर रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर में है और लगातार वाराणसी से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आपको कवरेज दे रहे थे। अभी फिलहाल जो है गाजीपुर बॉर्डर में, यहाँ पे लगभग 8-9 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर उस किसान आंदोलन के बीच जो है आप विद्यार्थी भी आंदोलन कर रहे हैं और SSC यानी कि स्कूल सर्विस कमीशन या दूसरे जो कमीशन के बच्चे हैं जो नौकरी के इंतज़ार में, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, मगर बच्चे इंतज़ार में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, मतलब एक जमात बनाकर स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं जो देश के अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, और वो जो है अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। उनके साथ जिस तरह की दुश्वारी परेशानी हो रही है, उसको जो है पूरे लगातार जो है इस पूरे गाजीपुर बॉर्डर के पास जो है कुछ युवा जो अलग अलग राज्य से आते हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? मनराज, मैं राजस्थान से, मनराज राजस्थान से। अच्छा मनराज जी, तो किस बात को लेकर प्रदर्शन है SSC में? क्या देखो, हमारा प्रदर्शन है कि हमें SSC GD 2008 के स्टूडेंट है, और हमारी जो वैकेंसी निकाली 60,210, उसमें कुछ लड़कों को लिया गया था, हम मेडिकल फिट होते हुए अभी हम सड़कों पे, हम पिछले 6 महीने से प्रोटेस्ट करें, हमको जॉइनिंग नहीं दिया गया। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी, हमको जितने भी भाई और मेडिकल फिट है सबको जॉइनिंग दी जाए। देखो, BJP सरकार ने जो वादा किए थे 2014 में कि हमको हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, देखो 2014 से हमें तो कुछ लगता नहीं, हमें 2 करोड़ से 14 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार सड़कों पर आ गए हैं। सरकार कह रही है कि हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, तो 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, मगर सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो जो सरकार कहती है कि हम विद्यार्थियों के हित में हम रोजगार दे, तो वो सरकार हमसे एक बार बात तो करे आगे, भाई हमने रोजगार दिया, हमें एक दो बताइए कि हमने यहाँ रोजगार दिया, यहाँ निकाला था हम, देखो यूपी में BJP सरकार है, यूपी में क्या किया था, कितने रोजगार दिया था, बोले कि हम 4 लाख रोजगार हर साल देते हैं, बताओ कौन से स्टेट में दिया, हमें एक दो स्टेट में तो बताओ ना कि हमने दिया है। हमें तो लगता नहीं है कि BJP सरकार हमारे लिए रोजगार दे रही है, अगर रोजगार देती है तो हम लोग सड़कों पर क्यों आते? गया बिहार से। अच्छा, गया बिहार से। तो सर किस तरह से पिछले 6 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार को तो कोई जू नहीं रेंग रही? जी, हम लोग को ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग चाहिए, और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। हम लोग बिल्कुल ओवर एज हो गए हैं, 80% बच्चे इसमें ऐसा है जो अगले भर्ती में वो फॉर्म का अप्लाई कर नहीं सकते, और इसीलिए हम लोग ये 2018 का भर्ती है, 18 का भर्ती है, तो बच्चे जो है तैयारी भी कर रहे हैं, तो 18 से तो कर नहीं रहे, ये तो फिक्स है, क्योंकि वो 2 साल पहले से कर रहे हैं। और इसमें सभी को एक ही तमन्ना है कि हमें वर्दी चाहिए, हम देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, तो एक वर्दी पहन करके सीमा पे मरना चाहते हैं बस। और मतलब अगले जो अभी 2021 में जो फॉर्म आया है वो भर नहीं सकते हैं, तो बेरोजगार हो गया, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इसका कोई होगा ना कि हाँ हम इसका मतलब उसका अंधकारमय जो जीवन हो गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कौन लेगा? मतलब नहीं। कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं फरवरी से ही मैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा हूँ, मतलब 8 महीने 6 महीने हो गए। अच्छा, तो क्या है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार स्टूडेंट की नहीं सुन रही है, सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, तो सरकार किसकी सुनेगी? ये सरकार बस सपना दिखाती है, दो रोटी की सपना दिखाती है, जो एक हाथ में रोटी रहता है उसको भी ले लेती है सरकार, यही है। लेकिन अब हम लोग भी समझ चुके हैं अच्छे से कि ये सरकार को हम ही लोग ने फर्श पर बिठाया, अब हम ही युवा इनको विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, ये हम लोग की पक्की है। हम युवा और किसान दोनों मिलकर इनको विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। शुभम बताए ना जी, जी। तो शुभम ये बताइए कि अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी करीब है जी, तो 4-8-6 महीने में चुनाव संपूर्ण हो जाएगा जी, तो किस तरह से लगातार जो है सरकार जो मेन मुद्दे उनसे हट के
धर्म, मस्जिद, मंदिर या मस्जिद भी नहीं, मंदिर पर ही खास ध्यान है, तो सरकार किस तरह से धार्मिक कार्ड खेल रही है, जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो उस पर बहस नहीं कर रही? सर, मैं धार्मिक मुद्दे पर बात नहीं कर सकता क्योंकि सभी मेरे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। मैं अपने रोजगार के लिए बात कर सकता। नहीं नहीं, सरकार तो उस मुद्दे पर ज़्यादा देखती है, मंदिर के मुद्दे पर रोज़ डिबेट होता है, स्टूडेंट के मुद्दे पर क्यों डिबेट नहीं करती? सर, यहाँ के जो कहते हैं ना, चौथा स्तंभ होता है नेशनल मीडिया, देश की मीडिया होती है चौथा स्तंभ, ये मीडिया बिक चुकी है, उसको युवा और किसान के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, वो कहती ही नहीं, रोजगार की बात ही नहीं करती। तो ये सरकार ने तो कहा था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार, तो 1 करोड़ भी तो साल क्या, जब से आई तब से 1 करोड़ रोजगार नहीं बना पाए, तो किस तरह से ये मुमकिन होगा कि देश आगे बढ़े, ये लगातार देश आगे बढ़ने की बात करता है? ये जुमला है जो 65 लाख बंगाल का रोजगार था यूपी में होगा, ट्रांसफर होगा 65 लाख, क्योंकि बंगाल हार गए, अब यूपी में वो ट्रांसफर कर देंगे, लड़के वोट देंगे, युवा वोट देंगे, इनके मतलब झूठी झूठी बात है। बिहार में 19 लाख का बात हुआ था, वो जो रोजगार मिला वुला कि नहीं लोग? अब वो मतलब कि चलता है प्रोसेस, मतलब बिहार से फिर हारेंगे तो फिर दूसरी जगह जाएंगे तो वहीं ट्रांसफर कर देंगे ना, ये मतलब एक ही सिम कार्ड हर जगह यूज कर रहे हैं, एक ही सिम कार्ड यूज करेंगे। लोग कब तक लड़ाई जारी रखेगी? ये देख लीजिए, मैं ओवर एज हूँ क्योंकि मेरे पास और आगे पढ़ने के लिए भी कुछ पैसे भी नहीं है और मैं कोई तैयारी भी नहीं कर सकता। ठीक, मैं लड़ता रहूंगा क्योंकि मैं बचपन का सपना देखा था, मैं कक्षा 1 में था तभी मैंने सोचा था कि मैं देश सेवा करूंगा। हमें करनी है तो मैं फौज की वर्दी पहनूंगा, हमें यूपी पुलिस भी नहीं चाहिए, मैं पहनूंगा तो फौज की वर्दी पहनूंगा, और हाँ, इसके लिए हमको किसी भी कदम तक क्यों ना जाना पड़े मैं जाऊंगा जरूर। मेरा नाम रूपक कुमार, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ मैं। दिल्ली से? तो किन मुद्दों पर चल रहा है लगातार रोजगार को लेकर चल रहा है? मोदी जी तो कहवे कर रहे हैं कि रोजगार की तैयारी चल रही है। देखिए क्या होता है कि बोलना और करना, कथनी करनी में अंतर होता है। अगर वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं साल में, तो वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। जबकि दिखना जरूरी है ग्राउंड पे, आप बोलिए मत बोलिए बट ग्राउंड पे दिखना बहुत जरूरी है। अब ये भर्ती आई थी 2018 में SSC GD की, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में ज्वाइन करते हैं बच्चे, इसमें उसको पूरा होते होते 4 साल लग गए, कोविड की वजह से 2021 आ गया। उसके बाद जो हुआ, सीटें काफ़ी खाली हैं, 1,27,000 के आसपास खाली हैं सीटें, बट उन्होंने ज्वाइनिंग सिर्फ 55,000 को दी और पॉइंट पॉइंट से बच्चों को बाहर कर दिया। 4 साल इसमें 75% बच्चे जो हैं ओवर एज हो चुके हैं, तो यही चल रहा है, उसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अपना हक मांग रहे हैं। कब तक ये प्रदर्शन चलते रहे? जब तक नहीं मिलेगा। क्या है, हमने मेहनत करी, हम कोई ऐसे नहीं मांग रहे कि हमें किसी को पद दे दो, या हम ऐसी नौकरी नहीं मांग रहे कि हमें बैंक में चाहिए। हम मांग रहे तो हम खतरे वाली नौकरी मांग रहे हैं, हमारे अंदर एक जज्बा है कि हमें देश की सेवा करनी है। अगर वो बिना सैलरी के भी हमें रखेंगे ना, हम जब भी तैयार है रहने के लिए। फिर कैसे चलेगा रोजी रोटी, घर का मसला कैसे पूरा होगा? वो भी होगा जरूर होगा, और भी लोग और भी करने वाले हैं, पहले वो मौका तो दे हमें करने की, हमें देखे कि हम हमारे अंदर जो जज्बा है उन्हें दिखता है कि नहीं दिखता, बाद में वो डिसाइड करे कि हमारे साथ क्या करना है। लगातार ये किसानों के आंदोलन के साथ विद्यार्थियों का आंदोलन है और इस आंदोलन में लगातार जो है बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी डिमांड है कि उनको जो है सेना की वर्दी चाहिए। अब सवाल सबसे ज़रूरी हो गया है कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस तरह से देखते हैं पूरे मुद्दे को लेकर। रिएक्शन वाला के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट, गाजीपुर बॉर्डर से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।